कैसे हैं आप लोग? ठीक है, नमस्कार। सब हमारे गठबंधन के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का और आम जनता और युवाओं का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका मूड कैसा है? ठीक है, अरे जोर से जवाब दो, मूड कैसा है? ठीक है। तो पिछले साल हमने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा की, उसको हमने भारत जोड़ो नाम दिया। और एक लाइन में मैं आपको 4000 किलोमीटर की कहानी बता सकता हूं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली, क्योंकि ये नफरत का देश नहीं है, ये भाईचारे का, मोहब्बत का देश है, एकता का देश है, इज्जत का देश है। और इसमें बीजेपी के लोग 24 घंटा नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। तो पहली यात्रा का यह लक्ष्य था। बहुत सारे लोग आए, हमें कहते हैं कि देखिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक आप चले, मगर बाकी प्रदेशों का क्या होगा, गुजरात का क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा, असम का क्या होगा, झारखंड, छत्तीसगढ़। और उन्होंने हमें कहा कि दूसरी यात्रा होनी चाहिए, तो हमने दूसरी यात्रा की, मणिपुर से शुरू किया और आज हम यहां आपके सामने महाराष्ट्र में हाजिर हुए हैं। इसमें हमने एक नया शब्द जोड़ दिया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। क्यों? क्योंकि हिंसा का कारण, नफरत का कारण अन्याय है, और यह अन्याय गरीबों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, बेरोजगार युवाओं के खिलाफ हिंदुस्तान में हर रोज होता है, होता नहीं होता है। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों कितना कर्जा माफ किया, कितना कितना? 16 लाख करोड़ रुपया। अब आम आदमी को यह नंबर समझ नहीं आता, 16 लाख करोड़ कितना होता है। मनरेगा में 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं साल के, तो नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों का इतना पैसा माफ किया जितना मनरेगा को चलाने में 24 साल में लगते हैं। 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जैसे अरबपतियों का माफ किया, किसानों का कितना किया। और ये जो एग्जाम लेते हैं, पुलिस का एग्जाम लेते हैं, अलग अलग एग्जाम लेते हैं, आईएएस आईपीएसएस का एग्जाम लेते हैं, इनका कितना कर्जा माफ किया इसने? एक रुपया नहीं किया। मजदूरों का कितना किया? एक रुपया नहीं किया। छोटे दुकानदारों का कितना किया? एक रुपया नहीं किया। और सबसे अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए इसने कर्जा माफ किया है। तो ये आर्थिक अन्याय है। हिंदुस्तान में 22 लोग हैं, 22 लोग जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोगों को खड़ा कर दो, जितना पैसा उनके पास उतना पैसा इनके पास, अन्याय है। तो इसके खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली। अब आप मुझे बताइए हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? कौन बता सकता है यहां पे पिछले वर्ग के कितने लोग हैं? नहीं नहीं नहीं, देखो कोई 70 कह रहा है, कोई 50 कह रहा है, कोई 60 कह रहा है, कितने हैं?
अभी आप शांत हो जाएंगे तो पुलिस भर्ती की बात होगी, अभी शांत हो जाइए, डिस्टर्ब मत करिए भाइयों। तो मेरा सवाल है, थोड़ा शांत हो जाए तो मजा आएगा, है ना भाई? सुन ले, शांत हो जाओ। आप भाषण देना चाहते हो? आओ आज। तो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? तो पिछड़े वर्ग के कितने हैं कोई नहीं बता सकता इस देश में, आपको कोई नहीं बता सकता कि पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। कोई आपको कहेगा 50% है, कोई कहेगा 60 है, कोई कहेगा 40 है, कोई कहेगा 30 है, मगर एग्जैक्ट नंबर कोई नहीं बता सकता। पहली बात, अंदाजे से 50% है, ठीक है। आपका नाम क्या है? हाँ, यादव, जादव, ठीक है। दलित कितने हैं देश में? हाँ, कितने? 15%। आदिवासी कितने हैं? 8%। माइनॉरिटी के कितने? 15%। तो अगर ये सब जोड़ो कितना होता है? 88% है पिछड़े, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी। उसमें 5-6% आप गरीब जनरल कास्ट जोड़ दो, ठीक है, ये हिंदुस्तान की आबादी। अब मुझे बताओ, मीडिया में पिछड़े वर्ग के कितने लोग? कितने हैं? जीरो। आप चाहते हो तो मैं आपको दे दूंगा हिंदुस्तान की मीडिया कंपनी के मालिक की लिस्ट, मेरे पास है। उसमें आपको एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा। अब फिर आपको बात समझ नहीं आती कि आपके मुद्दे उठाते नहीं, वो कैसे उठाएंगे, वो आपके हैं ही नहीं। इनके बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं उनकी लिस्ट निकालो, मुझे दिखा दो। हिंदुस्तान के बड़े बड़े जर्नलिस्ट में से मुझे आदिवासी नाम दिखा दो, दलित नाम दिखा दो, पिछड़ा नाम दिखा दो, एक दिखा दो। एक नहीं मिलेगा आपको, एक नहीं है, ठीक है। पता नहीं, आप लोग शायद इसमें हिस्सेदारी नहीं चाहते, नहीं पता नहीं चाहते हो नहीं चाहते हो, मुझे तो नहीं लगता। आपकी आबादी 90% है, इतना भी दम नहीं है आप में, इतना भी दम नहीं है आपने आप में कि वहां अपने लोगों को बैठा दो। बात समझो, 90% आबादी है, उधर आप अपना एक आदमी नहीं बैठा पा रहे हो और फिर छाती फैला के घूमते रहते हो। सच है ना? 90% हो, एक बंदा नहीं बैठा पा रहे वहां पे। चलो ठीक है, मैं कहता हूं मीडिया में नहीं बैठा पा रहे, तो चलो हिंदुस्तान के सबसे बड़ी 200 कॉर्पोरेट को देखते हैं। ये जो अदानी वाली, अंबानी वाली कंपनियां हैं, इनकी भी लिस्ट मैंने निकाली, 200 सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान में, इनके मालिकों की लिस्ट निकाली, और इनमें जो सीनियर मैनेजर्स हैं जो इन कंपनियों को चलाते हैं उनकी लिस्ट निकाली। इसमें बता दो पिछड़े कितने? एक नहीं है। दलित जीरो, आदिवासी जीरो, गरीब जनरल कास्ट का जीरो। तो यहां भी आप नहीं हो। आप 90% हो। जो भी ये बेचते हैं आप खरीदते हो क्या? नहीं। शर्ट खरीदी ना आपने? खरीदी ना। जीएसटी कितना दिया आपने? आपने 18% दी। अगर अदानी वही शर्ट खरीदता कितनी देता? वो सेम देता, 18% देता। अदानी की आमदनी कितनी है? लाखों करोड़ रुपए की है। आपकी कितनी है? 40,000 रुपए की है। जीएसटी जितनी वो देता है उतनी आप देते हो। इन
का धन कैसे बनता है? आपसे बनता है, 90% आप हो, जीएसटी आप देते हो, आपका उधर एक आदमी नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों में आपका एक आदमी नहीं। ठीक है छोड़ो, अब मैं सोचता हूं कि यार शायद ये कॉर्पोरेट में अपने लोग डालना नहीं चाहते, शायद हिंदुस्तान का 90% हिंदुस्तान की किसी भी कंपनी को कंट्रोल नहीं करना चाहता, हो सकता है, पता नहीं, आप लोगों को पता नहीं क्या हो गया। तो फिर दूसरा तीसरा सवाल पूछता हूं, कॉर्पोरेट में कोई नहीं है, मीडिया में कोई नहीं है, तो बताओ प्राइवेट जो स्कूल और कॉलेजेस चलते हैं जिसमें आप अपने बच्चों के लिए लाखों रुपए डालते हो, उसमें कितने तुम्हारे मालिकों की लिस्ट है? मेरे पास है, एक पिछड़ा नहीं, एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं। अच्छा ठीक है, आपको प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी भागीदारी नहीं चाहिए, चलो अस्पतालों की बात करते हैं, अपोलो, एस्कॉट्स, मेदांता, ये सब बड़े बड़े अस्पताल हैं जिसमें जब आप बीमार होते हो आप अपना पैसा डालते हो, इसमें कितनी भागीदारी तुम्हारी? इनकी मालिकों की लिस्ट निकाली, सबकी निकाली है मैंने, मैं काम करके आता हूं, आपका एक आदमी नहीं है इसमें, एक नहीं है, 650 हाईकोर्ट के जज हैं हिंदुस्तान में, 650। मुझे बताओ 90% आबादी के कितने हाईकोर्ट जज हैं? 650 में से 5% के पास 550 और आपके पास 100, और वो भी छोटे छोटे केस करते हैं, और उनको रोज कहा जाता है ज्यादा बकवास मत करो, कोने में खड़े हो जाओ। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है, आप हो 90% और आपकी भागीदारी इस देश में है ही नहीं, कहीं नहीं है। चलो ठीक है, सरकार की बात करते हैं, बाकी सब छोड़ दो, आप कौन, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, तो फिर मैं कहता हूं ठीक है भैया कुछ नहीं चाहिए तो सरकार में देख लेते हैं। हिंदुस्तान के बजट को 90 आईएएस ऑफिसर चलाते हैं, 90 हैं, नाम दे दूंगा, अगले भाषण में नाम रख दूंगा यहां पे सामने, 90 हैं ये, हिंदुस्तान का पूरा बजट बांटते हैं। इस साइड भी देख लेता हूं, लो ये हिंदुस्तान का पूरा बजट बांटते हैं, रेलवे में कितना जाता है ये निर्णय लेते हैं, ये जो पुलिस वाले खड़े हैं इनका हथियार कहां से आएगा कैसे आएगा ये निर्णय लेते हैं, इनकी वर्दी कैसे आएगी ये निर्णय लेते हैं, पुलिस में कितना पैसा जाएगा, सेना में कितना पैसा जाएगा, अस्पतालों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़क में, हाईवे में, ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। बात समझ आ गई, 90 है, 90 में से 90% के कितने है? मैं बताता हूं, 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं, आपकी आबादी 50%, मतलब अगर 2 लोगों को खड़ा कर दिया एक पिछड़े वर्ग का है, सरकार में भागीदारी 90 में से 3, 90 में से 3, सिर मत हिलाओ, बात समझो, सिर हिलाने से कुछ नहीं होने वाला, हिलाते रहो जितना हिलाना है, 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा, पहले आपको बात समझनी होगी इस देश में हो क्या रहा है। फिर सवाल उठता है, ये जो 3 अफसर हैं 90 में से 3, इनके बजट में कितनी भागीदारी? 100 रुपए खर्च होता है हिंदुस्तान के बजट में, तो 50% वाले अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं, इनको पीछे बैठा रखा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में आपको नहीं दिखेंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री में आपको नहीं दिखेंगे, जहां धन बांटा जाता है वहीं नहीं दिखेंगे, कल्चरल मिनिस्ट्री में पीछे बैठा कर कहा है चुप रहो, चुप बैठो यहां पे, तुम पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, चुप बैठो, आवाज मत करो। अब बताओ दलित 15%, सरकार में भागीदारी कितनी? 100 रुपए में से 1 रुपया। आदिवासी 8%, उनकी भागीदारी कितनी? 100 रुपए में से 10 पैसे। तो 90% को मिला लो, 100 रुपए में से 6 रुपए आपके,
6 रुपए आपके, 90% आबादी, ना आप मीडिया में, ना आप कॉर्पोरेट्स में, कहीं नहीं। जीएसटी का पैसा आपका, जमीन ली जाती है, जमीन ली जाती है, किसकी ली जाती है? आपकी ली जाती है, किसानों की ली जाती है, आदिवासियों की ली जाती है, पिछड़ों की ली जाती है, दलितों की ली जाती है, गरीब जनरल कास्ट की ली जाती है। कभी आपने अदानी जी की जमीन अदानी जी की जमीन अक्वायर करते हुए देखी है? कभी देखा कि भैया अदानी जी के 1000 एकड़ अक्वायर हो गए? कभी देखा आपने? तो आप सब देते हो, आप अपनी जमीन देते हो, अपना धन देते हो, और फिर भागीदारी में आपकी कुछ कुछ नहीं चलती। राम मंदिर का इनॉग्रेशन तो देखा होगा आपने, देखा ना? आपके राष्ट्रपति का कौन से वर्ग की है? वो आदिवासी है ना? राम मंदिर में उनका चेहरा दिखा आपको? क्यों नहीं? राष्ट्रपति हैं, अंदर क्यों नहीं जाने दिया? फॉर्मूला नहीं बनाया, आदिवासी है इसलिए अंदर नहीं जाने दिया, सीधी सी बात है। उन्हें वो बीजेपी वाले वनवासी कहते हैं, मतलब उनकी जगह जंगल में है। राष्ट्रपति आदिवासी है, उसको अंदर नहीं जाने दिया। मुझे बताओ, गरीब किसान आपको कितने दिखे उसमें? मुझे बताओ, बेरोजगार युवा कितने दिखे, मजदूर कितने दिखे उसमें? एक नहीं, अदानी दिखा, पूरा बॉलीवुड दिखा, क्रिकेट की टीम दिखी, दूसरे देश के गेस्ट दिखे, सब दिखे, मगर पिछड़ा नहीं दिखा कोई, गरीब दलित नहीं दिखा, आदिवासी नहीं दिखा, किसान नहीं दिखा, मजदूर नहीं दिखा, बेरोजगार युवा नहीं दिखा। आपकी कहीं जगह नहीं है, कहीं जगह नहीं है आपकी। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी इस देश में कहीं जगह नहीं है। और मुझे बात समझ नहीं आ रही, आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? पता नहीं क्या बीमारी लग गई आपको, आप कुछ नहीं कर रहे, आप देखते जा रहे हो। 24 घंटा आपका जेब काटा जा रहा है। देखो भैया, जरा भैया ऊपर आना, जरा मैं आपको दिखाता हूं। आ जाओ ऊपर आ जाओ, आप आ जाओ, जब आ जाओ। ये देखो भैया, ये देखो, ये है अब, ये हिंदुस्तान की जनता है, ठीक है? अगर इसका आपको जेब काटना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ध्यान भटकाना पड़ेगा ना। भैया देखो बिल्डिंग की ओर देखो, ऊपर। ओ भैया देखो उधर देखो, वो देखो क्या हो रहा है। ओ भैया देखो कौआ देखो, वहां पे बैठा है कौआ, उधर देखो भैया, उधर देखो भैया, भैया भैया देखो वो समुद्र के नीचे देखो, मोदी जी बैठे हैं। ओ भैया ऊपर देखो, सी प्लेन में जा रहे, देखो उधर। ओ भैया उधर पाकिस्तान की ओर देखो जरा। ओ भैया चाइना की ओर देखो जरा। ओ भैया कोविड आया, भाई थाली बजा। तो पहला काम आपके प्रधानमंत्री कर रहे हैं, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, गरीबों का ध्यान इधर उधर कर रहे हैं, पहला काम। दूसरा काम भैया घूमना जरा, दूसरा काम अदानी कर रहा है, यहां से जेब काट रहा है, और तीसरे साइड पे अमित शाह जी खड़े डंडा लिए कहते हैं भैया किसी ने कुछ किया मारूंगा उठा के। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये आपके देश के साथ हो रहा है। और चोरी किसकी हो रही है? आपकी हो रही है। ये जो आए बेचारे पुलिस जॉब वाले, बैठ जाइए, ये पुलिस जॉब वाले आए हैं, पहले भैया पिछड़ों का, दलितों का, गरीब जनरल कास्ट का, आदिवासियों का, माइनॉरिटी का, क्या कौन से रास्ते थे बताओ? ये तो आपके लिए बंद है, मीडिया बंद, कॉर्पोरेट बंद, प्राइवेट अस्पताल बंद, प्राइवेट कॉलेजेस बंद, तो रास्ते खुले कौन से थे बताओ? सरकारी नौकरियां खुली थी, इसमें आप लोग जा सकते थे, सेना खुली थी उसमें आप लोग जा सकते थे, पुलिस की भर्ती होती थी उसमें आप जा सकते थे, ठीक है? अब नया सिस्टम है, सबसे पहले आर्मी वाला बंद कर दिया, कहते हैं भैया आर्मी में अग्निवीर बनेंगे, 4 लड़के अंदर आएंगे, 3 को लात मार के बाहर कर दिया जाएगा। वो 3 पता है कौन होंगे? कौन होंगे पता है? वो 3 90% वाले होंगे,
दलित आदिवासी पिछड़े गरीब जनरल कास्ट के लोगों उनसे कहेंगे भैया 3 साल 4 साल यहां काम करो बाहर निकलो, गोली लगेगी शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, कैंटीन नहीं मिलेगी। कैंटीन पेंशन किसको मिलेगी? वो एक बंदे को मिलेगी। तो आर्मी वाला रास्ता बंद, पब्लिक सेक्टर वाला रास्ता बंद, सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दिया। BHEL HEL ये सारी जो संस्थाएं हैं, रेलवे, ये एक के बाद एक प्राइवेटाइज हो रही है, वो रास्ता बंद हो गया। अब ये नया तरीका निकाला है। अब आपसे कहते हैं भैया एक काम करो, पुलिस की भर्ती है, पुलिस की भर्ती है, एग्जाम लो। आप क्या करते हो, उन्हीं 2-3% के जो ट्यूटर होते हैं उनके ट्यूशन का चलता है पूरा, एग्जाम लेने के लिए आप उसको उनको पैसा देते हो, कोचिंग करते हो, IAS की कोचिंग करते हो, IPS की कोचिंग करते हो, ये सब कोचिंग करते हो। फिर एग्जाम का टाइम आता है, सुबह आप एग्जाम लेने जाते हो, आपके सामने वही 1% वाला अपने मोबाइल फोन पे आपके बेटे को पेपर दिखा देता है, कहता है देखो ये लो पेपर, तुमने मतलब यहां पे 3-4 साल काम किया है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें मरना है मर लो, पेपर तो हमारे हाथ में है, हमने खरीद लिया। तो पेपर लीक भी आपका दरवाजा बंद करने का तरीका है। फिर आपसे कहते हैं भैया देखो पेपर लीक हो गया, इस बार तो भर्ती नहीं होगी, भर्ती अगली बार होगी। तो आप मीडिया में नहीं, कॉर्पोरेट में नहीं, कहीं नहीं हो ना, तो हो कहां? मैं बताता हूं आपको कहां हो, मनरेगा की लिस्ट निकालो, उसमें आप भरे हुए हो। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, उसमें आप भरे हुए हो। दलित आदिवासी पिछड़े गरीब जनरल कास्ट के लोग ढूंढने ना, मजदूरों की लिस्ट निकालो, वहां आप लोग जितने नाम देखने देख लो। तो ये देश में चल रहा है, ये सच्चाई है देश की। आपका ध्यान इधर उधर भटकाया जाता है, आपका धन आपके जेब से लिया जाता है। 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। मेरा सिर्फ एक कहना है, अगर किसान का 16 लाख करोड़ अगर अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ हो सकता है, तो फिर किसान का भी कर्जा माफ होगा। मैं देखूंगा कैसे नहीं होगा। और अगर किसान का नहीं करना तो फिर इनका मत करो, सही बात है ना। अब आप मुझे कहोगे राहुल जी आपने लंबा भाषण दिया धूप में, आपने हमें बता दिया कि हमारी भागीदारी नहीं है, जगह नहीं है, हिस्सेदारी नहीं है, तो करें क्या? मैं आपको बताता हूं, कभी चोट लगती है अस्पताल जाते हो तो क्या होता है, एक्सरे होता है ना, डॉक्टर कहता है भैया इधर आओ एक्सरे करो। मैं वही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जाति जनगणना कर लो, एक्सरे कर लो देश का। जाति जनगणना से क्या होगा, जाति जनगणना से पता लग जाएगा, गिनती हो जाएगी, दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, सब गिनती हो जाएगी। उसके बाद कैसे नहीं करेंगे, मैं करवाऊंगा, आप लोग करवाओगे। देखो देखो बात समझो, बात समझो, वो नहीं, आप 90% हो, आपने 90% ने कह दिया ना नरेंद्र मोदी हमें जाति जनगणना चाहिए, या वो करेगा फिर भाग जाएगा या फिर भागेगा। 90% हो आप लोग, 90% अपनी शक्ति समझो, अपनी पावर समझो, अपनी स्ट्रेंथ समझो। तो पहला कदम जाति जनगणना, और उसके बाद इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और हिंदुस्तान की सब संस्थाओं का सर्वे। मतलब ये मीडिया वाले हैं ना, इनके सबके नाम निकालेंगे। ये जो 20-25 बड़े बड़े इनके मालिक हैं, सबके नाम निकालेंगे और पता लगाएंगे भैया हिंदुस्तान की मीडिया में दलित, पिछड़े, आदिवासी कितने हैं, लिस्ट निकालेंगे। सरकार में कितने हैं, कॉर्पोरेट्स में कितने हैं,
प्राइवेट अस्पतालों में कितनी हिस्सेदारी है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में कितनी हिस्सेदारी है, मैनेजमेंट में कितने हैं, ये हम डेटा का जमाना है ना, डेटा का जमाना है ना आजकल, कहते हैं डेटा डेटा, 24 घंटा डेटा की बात होती है ना। तो हम आप सबके सामने गरीबों का डेटा रखना चाहते हैं, ये देखो हिंदुस्तान के गरीबों का डेटा है, इसको देख लो अच्छी तरह, उसके बाद सच्ची राजनीति शुरू होगी, उसके बाद आप लोगों को बात समझ आएगी कि भैया हम हैं 90% और देश में हम कहीं भी नहीं है। तो ये जाति जनगणना ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम है, इसमें इसे हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है और इसके पीछे आप अपनी पूरी शक्ति लगाइए, पहला काम। दूसरा काम बेरोजगारी पे आ रहा हूं। मैनिफेस्टो में हमने कहा है, क्रांतिकारी चीज कही है, हिंदुस्तान की सब गरीब महिलाओं को, चाहे वो कोई भी हो, खेती करे मजदूरी करे, अगर वो गरीब है तो इंडिया गठबंधन की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार साल में उसे 1,00,000 रुपए बैंक अकाउंट में दे देगी, साल में 1,00,000 रुपए करोड़ों महिलाओं को। तो यह भी हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है। और युवाओं से, जो आप बेरोजगारी के शिकार होते हो, 30,00,000 सरकारी जो वैकेंसीज हैं उनको हम एकदम भर देंगे। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा था, इतनी गर्मी में आप आए, इतने प्यार से आपने बात सुनी, आपने मेरे बहुत आसान कर दिया, बिल्कुल शांति से सुने आप, तो दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये जो हमारे पुलिस वाले यहां खड़े हैं, इन्होंने भी काफी मदद की, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
ये राह भले हो लंबी, ये राह भले तू भर हो, इस राह पे चलते चलते हमको गाते जाना है। जो भारत को मां माने वो साथ हमारे आए, आके चेहरे पे मुस्कान जगाने आए। हम अंधेरे भूल जाएंगे, जब पाएंगे न्याय, तीन रंग लहराएंगे, जब पाएंगे न्याय। न्याय जो मजदूर किसानों की मेहनत में रंग लाए, हर औरत के साथ चले, हर एक युवा के संग आए। न्याय जो भागीदारी का हर एक को अपनाए, पांच न्याय का परचम अपना गली गली लहराए। हम जुड़े और जुड़ जाएंगे, जब पाएंगे न्याय, तीन रंग लहराएंगे, जब पाएंगे न्याय। जन जन की बातें एक मन की बात के नीचे दबे नहीं, भारत माँ के बच्चे दानव दल के आगे झुके नहीं। संघर्षों की परिभाषाएं भविष्य को बतलाए, न्याय के पथ पर चलने वाले न्याय से पहले रुके नहीं। सब एक साथ